friends, how are you? I am Isha Pandey, Reiki Grandmaster and Tarot Card Reader and a Psychic Magnified Healer. आज मैं आप लोगों के सामने एक नई तरीके की डेफिनेशन कास्टिंग लेके आ रही हूँ. लाइक टैरो रीडिंग के साथ साथ एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है, बहुत ही नया तरीका है प्रेडिक्शन करने का, जिसको हम बोलते हैं चार्म कास्टिंग. तो चार्म्स क्या होते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चार्म्स बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को इस तरह से चीज़ों को रख सकते हैं कि आप उसे भी किसी का भी फ्यूचर बता सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं. और ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं. बहुत सारे लोग इसको जो साइकिक होते हैं, इन चीज़ों को बहुत सारे लोग एज अ पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, रिंग के रूप में पहनते हैं, और जिससे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है. मैं इनके थ्रू डिविनेशन कास्ट करती हूँ, प्रिडिक्शन करती हूँ. नाउ ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही नई चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ. इसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे पास. ये देखिए, दिस इज वन थिंग, इसका अलग मीनिंग होता है. एंड ये देखिए, ये है विंग्स हैं, एंजल विंग्स हैं, इसका डिफरेंट मीनिंग होता है. एंजल मीनिंग, एंजल विंग्स का, दिस आर द डिफरेंट थिंग, इसका क्या मतलब होता है. इसी तरह ये बहुत सारे चार्म्स हैं. अब इन चार्म्स के थ्रू हम कैसे प्रेडिक्शन करते हैं? देखिए इतने सारे चार्म्स हैं. ये फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या मतलब होता है? ग्रोथ एंड प्रोस्पैरिटी फ्रॉग लेकर आता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये लीफ हो गया. लीफ जो होती है ये न्यू बिगनिंग डिनोट करती है कि आपकी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग हो सकता है. और एंजल्स विंग है, ये एंजल्स विंग है. जैसे आपको ये किसी के रीडिंग में आता है तो इसका मतलब होता है कि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एंजल्स आपके साथ हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आइए अभी हम प्रेडिक्शन करते हैं. ओके, तो अब हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं, चार्म कास्टिंग करते हैं. इनको हम चार्म्स बोलते हैं. अब मैं चार्म्स कास्ट करती हूँ. इट्स अ जनरल रीडिंग फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए जनरल रीडिंग है कि अगले 3 महीने में फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे लोगों की लाइफ में. दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. नाउ आई एम डूइंग इट कि अगले 3 महीने में क्या चेंजेस आ सकते हैं फाइनेंशियल फ्रंट पे लोगों के. तो हम अच्छे से स्टेट करेंगे, एंजल्स से गाइडेंस मांगेंगे. माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड, प्लीज टेल मी कि अगले 3 महीने में लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल फ्रंट पर क्या चेंजेस आ सकते हैं. ओके, नाउ अब मैं बिना देखे इसमें से मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज पे चार्म बॉक्स पे डाल के चार्म्स निकाल रही हूँ. इन चार्म्स को मैंने देखा नहीं है. अब मैं एंजल्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि अगले 3 महीने में लोगों के अंदर क्या क्या फाइनेंशियल चेंजेस आ सकते हैं. ओके, देखिए ये चार्म का चार्म कास्ट किया. ये हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, सॉरी ये हमारी, हाँ ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है. ये हमारी इधर वाली सारी चीज़ें पास्ट सिचुएशन, मिडल में जो भी चीज़ें हैं वो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन कहलाई जाती हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो हमारी पास्ट सिचुएशन कहलाई जाती हैं. जो राइट हैंड साइड पर हैं वो हमारी कहलाई जाती हैं फ्यूचर सिचुएशन. अब हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं. सबसे पहले हम आते हैं अपने पास्ट लाइफ पे. पास्ट हमारा पास्ट किया गया है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो व्हाट इज पास्ट? इट्स नॉट अ पास्ट लाइफ. इसी करंट लाइफ में आपके फाइनेंसेस कैसे रहे हैं? तो ये 3 हमारे जो चार्म्स गिरे हैं. थोड़ा दूरी पे ये चार्म गिरा है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहे हैं आप लोगों के फाइनेंसेस में. जैसे ये एक सन की तरह स्पाइरल है, ठीक है. मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया घूम घूम के बाद में
आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, बस आप ऐसे ही घूमते रह गए चीजों के अंदर। तो कुछ पास समय में यही चीजें हो रही थी, कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, हम जो भी चीज कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे थे वो चीजें अटक जा रही थी। तो ये चीज ये बता रही है, ये जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग जो है लक और प्रोस्पैरिटी से रिलेटेड माना जाता है। एंड कहा जाता है कि जिस जिस भी तरफ ये फ्रॉग आ जाता है वहां पर लक, प्रोस्पैरिटी और इनकम बहुत होती है। लेकिन जहां ये पड़ा है उसके साइड पर ये वाला चार्म भी था जो बता रहा है कि आपने अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी आपने किसी भी बिजनेस में पैसा लगाया, कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया, वो ठीक से फ्रूटफुल हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग में लगा कि हाँ चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन फिर वो चीजें सही हो नहीं पाई क्योंकि बीच में आपका रुकावटें आ रही थी, आपको फ्रूट नहीं मिल रहे थे, आप जो भी चीज इन्वेस्ट कर रहे थे वो चीज आपको नहीं मिल रही थी। ये दिस चार्म, दिस इज ऑल्सो अ चार्म, ठीक है, ये बता रहा है। ये भी देखिए इसी इसी चक्कर की तरह है, ठीक है। पहले परेशानी थोड़ी सी छोटी थी, घूमते 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 ये परेशानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम की परेशानी थी वो बढ़ती गई, आपको लॉसेस हो रहे थे पास्ट में, आप जितना भी एफर्ट कर रहे थे चीजें आपको करेक्टली मिल नहीं रही थी। तो ये हमारा पास्ट हो गया, अब ये हमारा प्रेजेंट आता है। अब हमारे प्रेजेंट में क्या क्या चार्म्स हैं देखो, एक ये चार्म आया, ये चार्म डॉल है, ओके, और ये बेबी से रिलेटेड भी है और ये फैमिली से रिलेटेड भी है। अभी पास्ट में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी लक एंड प्रोस्पैरिटी हुई थी, जो फ्रूटफुल नहीं हो रही थी, जो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, लेकिन प्रेजेंट में आपकी फैमिली को उसका फल मिल रहा है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, कि हो सकता है किसी की नई जॉब लग गई हो प्रेजेंट सिचुएशन में, किसी का फंसा हुआ पैसा वापस आ गया हो, और जिससे फैमिली में प्रॉस्पैरिटी और अबंडेंस बढ़ रहा है। ये बीच में था, ये जो डॉल थी ये बीच में थी। देखो इसके आगे एंजल्स का विंग है, इसका मतलब है यूनिवर्स, गॉड एंड एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लाइफ की, लीफ है ये, ग्रोथ लेकर आती है, न्यू बर्थ होता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में पहले जो भी फाइनेंस से रिलेटेड रुकावटें थीं, ठीक है, जो भी लॉसेस आप फेस कर रहे थे, वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि गॉड की प्रोटेक्शन आपके पास है, एंजल्स विंग है, एंजल की प्रोटेक्शन आपके पास है, जिससे आपने आपको नए बर्थ मिला, आपका काम चलने लगा, जिससे आपकी फैमिली में अबंडेंस है। ये भी लीफ है, पत्ती है, ये भी चाम आपको बताती है कि अब आगे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही अच्छा पैसा, अच्छा आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ये एक चीज़ बता रही है, देखो ये कॉइन है, दिस इज़ द कॉइन, ये कॉइन है। अभी करंट लाइफ में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ही आगे बहुत ही अच्छा फ्रूट आपको देगी। एंड दिस चार्म शोज कछुआ, ये कछुआ है, टॉर्टाइज है, और टॉर्टाइज जो होता है चाइनीज कल्चर में इनकम, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब है कि पास्ट में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जितने भी लॉसेस हुए हैं, ये करंट टाइम जो चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपको फैमिली अबंडेंस भी मिलेगा, आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाएंगे, अपनी फैमिली को वो सारा कुछ दे पाएंगे। और इस सिचुएशन और ये चारों चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। देखिए बीच में आपकी फैमिली है, बाकी ये सारी चीज़ें आसपास हैं। यहाँ पे कॉइन भी है, यहाँ पर एंजल विंग भी है, ये लीफ भी है, और ये टॉर्टाइस भी है। इसका यही मतलब है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल करंट चीज़ पे हैं। अब लास्ट यहाँ का चीज़ फ्यूचर कहलाता है। फ्यूचर में देखिए ये आया है, इसको एंजल कहते हैं, दिस इज़ द एंजल। ये देखिए ये एंजल का फेदर है, एंजल है। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी चीज़ आप पैसा किसी भी बिजनेस में लगाते हैं, या कोई भी आप न्यू जॉब पे जाते हैं, न्यू जॉब करते हैं, आपको बहुत ही अच्छा फ्रूट मिलेगा, आप बहुत ही अच्छा आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी।
तो ये होती है चार्म कास्टिंग। किसी को अगर चार्म कास्टिंग मुझसे सीखनी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं। एंड डेफिनेटली अगर मेरी प्रेडिक्शन करेक्ट होती है तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा। मैं ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, थैंक यू सो मच।